सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज के बारे में जो आई थी 2016 में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो नंबर 10 पर आती है द गर्ल विद ऑल गिफ्ट्स। वेल, ये एक अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को देखने में आपको काफी मजा भी आता है। और बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म की स्टोरी जॉम्बी पर बेस है। साथ ही साथ इस फिल्म में काम की बात करें तो सबसे अच्छा काम मेलिनी का है। वेल, उस बच्ची में जॉम्बी वायरस होता है, लेकिन वो बच्ची वायरस से इफेक्ट नहीं होती। लेकिन उस बच्ची के पास काफी ज्यादा दिमाग होता है कि उसे किसे काटना चाहिए और किसे नहीं। वेल, अगर वो किसी को काट ले तो वो जॉम्बी बन जाता है। लेकिन उस बच्ची को एक अलग ही गिफ्ट के साथ बनाया गया है, जिससे कि हमें इस फिल्म को देखने में काफी मजा आता है। साथ ही साथ बात करें इस फिल्म में बड़े एक्टर की, तो इस फिल्म में सिर्फ 3 ही बड़े कलाकार हैं। एक है ग्रीमा, दूसरी जेलिन क्लोज और तीसरे पैडी। इन तीनों के अलावा इस फिल्म में और कोई बड़े एक्टर नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी फिल्म है क्योंकि ये एक टाइम की एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी थी। और बात करें इस फिल्म की, तो ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। और वही बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर आती है द सेल। वेल, एक्टर की बात करें तो इस फिल्म में 2 बड़े एक्टर हैं। एक है सैमुअल जैक्सन और दूसरे जॉन कुश्की। और आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म की स्टोरी स्टीफन किंग ने लिखी थी। नाम से तो आपको फिल्म के बारे में पता चल गया होगा कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है। वेल, जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, इस फिल्म की स्टोरी फोन पर बेस है। जैसे कि आज के टाइम पर लोग फोन को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें सेल फोन में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इन दोनों एक्टर की स्टोरी ऐसे ही कुछ है, जिससे कि ये फिल्म चलती है। साथ ही साथ इस फिल्म में काफी जॉम्बीज भी नजर आएंगे। लेकिन इस फिल्म की एंड की बात करें तो उस एंड से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप इंजॉय कर सकते हो। और जी नहीं, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। और नंबर 8 पर आती है डोंट नॉक ट्वाइस। वेल, ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, लेकिन बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो वो इतनी भी खास नहीं है। लेकिन इस फिल्म का हॉरर काफी अच्छा है और आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि असल में फिल्म में हो क्या रहा है। तो हॉरर के लिए ये फिल्म एक बेस्ट फिल्म है जिसे आप इंजॉय जरूर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज हुई थी। और नंबर 7 पर आती है ओइजा, ओरिजिन ऑफ इविल। वेल, ये ओइजा सीरीज का सेकेंड पार्ट है, लेकिन एक हिसाब से इसे हम सेकेंड पार्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल ही अलग बनाया है। और बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो वो एक ठीक ठाक था। लेकिन सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की सीरीज में काफी कुछ चेंज कर दिया था। और बात करें इस फिल्म के हॉरर और थ्रिल के बारे में, तो वो काफी अच्छा था। तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। और जी नहीं, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। और 6 पोजीशन पर आती है द ऑटोप्सी ऑफ जेन ड्यू। वेल, ये फिल्म काफी अलग है और इस फिल्म को देखने में काफी डर भी लगता है, क्योंकि इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म लोगों को डराने के मामले में बिल्कुल सक्सेस है और एक अच्छी हॉरर फिल्म भी है। ये बात और है कि मैं इसे थ्रिल में डालना चाहता था, लेकिन ये एक हॉरर फिल्म है तो मैं इसे हॉरर में ही रखूंगा। और जी नहीं, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। और 5th पोजीशन पर आती है ब्लेयर विच। तो बात करें इस फिल्म की, ये ब्लेयर विच की सीरीज की 3rd फिल्म है। इसके पहले ब्लेयर विच के 2 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट इसका इतना खास नहीं था। लेकिन बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो वो एक सबसे सस्ते बजट में एक बेस्ट फिल्म बनी थी, क्योंकि फिल्म बनाने वालों को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि वो फिल्म कितनी अच्छी बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें उस फिल्म में डर काफी लगता है, लेकिन उस फिल्म में इतना हॉरर नहीं है, लेकिन डर काफी अच्छा है और एक सैड एंड के साथ वो फिल्म खत्म होती है। और वैसा ही कुछ हाल ब्लेयर विच का है। मेरे हिसाब से ये उस फिल्म की सीरीज का रीबूट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म की स्टोरी उस फिल्म से बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन ये फिल्म डराने में काफी सक्सेस होती है और इस फिल्म की सीरीज के एक भी पार्ट हिंदी में नहीं आए हैं। लेकिन अगर डरना है तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। और बात करें 4th पोजीशन की, तो 4th पोजीशन पर आती है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर। वेल, तो ये अंडरवर्ल्ड की सीरीज की 5वीं फिल्म है, लेकिन ये फिल्म उन सभी सीरीज की उतने लेवल पर नहीं आती है। ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। और बात करें इस फिल्म की कैटेगरी की, तो
मेरे हिसाब से मुझे इस फिल्म को फैंटेसी में डालना चाहिए था, लेकिन इस फिल्म में हॉरर नजर आता है, इसलिए मैंने इस फिल्म को हॉरर मूवीज की लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर रखा। और इस फिल्म के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म कैसी है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी। और हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बात करें थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पर आती है रेसिडेंट ईविल द फाइनल चैप्टर। वेल, ये रेसिडेंट ईविल की सीरीज का एक लंबा चैप्टर है जो काफी लंबा चला और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी हिट भी रही। एक हिसाब से इस फिल्म की हर एक सीरीज बॉक्स ऑफिस पर हिट है, तो ये रेसिडेंट ईविल की सीरीज में सिक्स पोजीशन पर आती है। और हाँ, रेसिडेंट ईविल की सीरीज के सभी पार्ट हिंदी में भी आते हैं, और जो रेसिडेंट ईविल की सीरीज का फैन है उन्हें तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये फिल्म कैसी है, क्योंकि उन्हें इस फिल्म का एंड देखना था जो हमें देखने मिल गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इसके और पार्ट देखने मिलेंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर ने वो चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, अगर वो चाहे तो वो इस पार्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर फैंस की सुने तो ये सीरीज यहीं पर खत्म हो गई है। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर आती है लाइट आउट। इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग है जो अभी शज़ैम मूवी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें इस फिल्म की, तो ये फिल्म काफी अच्छी है और इस फिल्म को देखने में काफी डर भी लगता है, खास करके अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में देखा है तो। और अगर आप घर पे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो पूरे खिड़की और दरवाजे बंद कर इस फिल्म को एंजॉय करें। और हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई थी। और फर्स्ट पोजीशन की बात करने से पहले नजर डाल लेते हैं उन सभी फिल्मों पर जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो 10th पोजीशन पर आती है द गर्ल विद द ऑल गिफ्ट्स, और 9th पोजीशन पर दी सेल, 8th पोजीशन पर डोंट नॉक ट्वाइस, 7th पोजीशन पर ओइजा, 6th पोजीशन पर द एटॉप्सी ऑफ जेन ड्यू, और 5th पोजीशन पर ब्लेयर विच, 4th पोजीशन पर अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर, 3rd पोजीशन पर रेसिडेंट ईविल द फाइनल चैप्टर, 2nd पोजीशन पर लाइट आउट। और बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो 2016 की सबसे हिट फिल्म है जिसके बारे में आपको पता है, और वो है द कॉन्ज्यूरिंग। जी हाँ, ये कॉन्ज्यूरिंग सीरीज का सेकेंड पार्ट है, और आपको पता है कि कॉन्ज्यूरिंग का यूनिवर्स अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, जिसमें हमने अब तक एनाबेल की सीरीज देखी है। तो आगे देखते हैं कि ये सीरीज और कहाँ तक चलेगी। और बात करें कॉन्ज्यूरिंग 3 की, तो अभी उसे काफी टाइम है, लेकिन 2018 में हमें द नन मूवी देखने मिलेगी जिसे हमने द कॉन्ज्यूरिंग 2 में देखा था, और उसके बारे में किसे भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से आई थी। एक और कैरेक्टर हमें इस फिल्म में नजर आया था जो था कुकी मैन, उस पर भी एक सोलो मूवी बन रही है, लेकिन अभी उसे टाइम है, लेकिन द कॉन्ज्यूरिंग मूवी फर्स्ट पोजीशन पे रखने के लायक है। वेल फ्रेंड्स, तो ये थी लिस्ट 2016 की टॉप 10 हॉरर मूवीज की। वेल, तो मैं इसमें एक बोनस और ऐड कर देता हूँ, और वो है कैबिन फीवर। वेल, मैंने इसे अपनी लिस्ट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि इस फिल्म की रेटिंग बहुत खराब थी और हमने इस फिल्म की काफी बार रिबूट देखी है, जिसके चलते मैंने इस फिल्म को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।